ओके, तो हु विल टेल मी द आर्हेनियस इक्वेशन. वैसे तो मैं सारे चैप्टर के कराऊंगी. आर्हेनियस इक्वेशन हैंड रेस करो जिन बच्चों को याद है. आप कह रहे हो ना कि हमने कर लिया. ओके, दी स्टूडेंट्स स्टिल नो. एक बच्चे का हैंड रेज हुआ है, बाकी किसी का भी नहीं हुआ. टू. चलो ऋत्विका, आप सुनाओ आर्हेनियस इक्वेशन, फिर प्रतिभा बताएगी. चलो फॉर अ रिएक्शन. मैम बोलो. के के एन पी इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन माइनस वन इनटू वन वन अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस ए नॉट एन माइनस वन. आप कुछ और बताने लग गए हो. मैंने आर्हेनियस इक्वेशन बताया, आप किसी की इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन बता रहे हो. प्रतिभा आप बताओ. प्रतिभा मैं log a two over k one is equal to e a over 2.303 bracket temperature t two minus t one over t one t two. यस, दिस इज करेक्ट. करेक्ट प्रतिभा. तो दिस इज अ क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द आर्हेनियस इक्वेशन. फॉर द रिएक्शन आर चेंजेस टू पी, आर और पी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसने लिखा है. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. चलो बेटा स्टार्ट डूइंग इट इन योर नोटबुक एंड देन रिवर्ट टू मी. बेटा इसको ना आपको रिवर्ट करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं. अगर सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूंगी बिना आप लोगों से पूछे, फिर तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. फॉर अ रिएक्शन आर चेंजेस टू पी, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट्स ऑफ टाइम इन द मिनट्स एंड द सेकेंड्स. हाँ जी, किसी बच्चे ने क्लास में सॉल्व किया हो रेज योर हैंड, क्योंकि अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया था चैट बॉक्स में, जबकि इतना लंबा क्वेश्चन है ही नहीं. ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.03 से कितनी हो गई, 0.02 हो गई. आप इसको ऐसा मान सकते हो कि जीरो टाइम पे इतनी थी, कुछ टाइम पास कर गया तो ये 0.02 हो गई. ठीक है, और टाइम कितना पास किया, ये टाइम था 25 मिनट्स पास किया. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें एवरेज रेट कितना आएगा,
एवरेज रेट होगा माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम. माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब आपको लेना है ना, आपको पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताना तो पड़ेगा ना बेटे. इनिशियली 0.03 थी और बाद में 0.02 हो गई. तो 0.02 चेंज का मतलब ये होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल. देखो एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड उज्ज्वल, बिल्कुल सही आंसर है आपका. यूनिट बस थोड़ा सा नहीं सही है. ये कौन बच्चा है उज्ज्वल, थोड़ा सा यूनिट मिक नहीं होगा शायद यहाँ पे. आपका भी ठीक है शायद, शालिनी आपका सेकंड में होगा. और आर 0.03 हो गया फाइनली बेटे. और टाइम 25 मिनट है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन में लिखा है ना मीना 10 सेकंड, तो आपको दो आंसर देने हैं. तो ये प्लस में 0.01 आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा. इसको आप ऐसे लेके चलो कि ये कितना आ गया बेटे, 1/25 आ गया और साथ में कितना आ गया, 100 आ गया नीचे. ठीक है, बाकी तो अब बाकी तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व ही करना है. इट इज नॉट अ बिग डील, वो मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे. रेस्ट पार्ट इज ऑफ द मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स. एंड दैट पार्ट इज 1/25 हो गया आपके पास. या इसको टोटल सॉल्व करोगे तो 10^-2 ये है और 0.04 ये आ जाता है. ठीक है, ये -2 है तो इसको सॉल्व करोगे तो 10^-4 आ जाएगा. ये यूनिट किस में आया, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आंसर आए हैं, ऑलमोस्ट सबके आंसर सही हैं. ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर को मोलैरिटी भी लिखते हैं. तो उस सेंस से अगर देखा जाए तो 10^4 × 10^-4 ये मोलैरिटी और पर मिनट आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको टाइम को चेंज नहीं किया था. उसके बाद आप टाइम को चेंज कर सकते हो. ये पहला आंसर आ गया रेट का. दूसरा आंसर आ गया रेट का 4/60 कर दोगे आप, 25 मिनट है तो 60 साथ में कर दो, माइनस ऑफ 4 इसको सॉल्व करोगे तो 6.66 × 10^-6 मोलर पर सेकेंड. तो ये आपके पास आ गया सेकेंड वन. दोनों आंसर आपको लिखने हैं. ठीक है हर्षिता, आप इसको नोट कर सकते हो. मैक्सिमम बच्चों ने थोड़ा सा टाइम लगाया बट दे हैव डन इट, दे हैड सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स. पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टिल डेट अभी तक नहीं किया है. डन मैम. ओके जी, ठीक है जतन. चलो बेटे इसको सॉल्व करके दिखाओ. वेरी गुड, जल्दी जल्दी. अब जिसका पिछला क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ आ गया है ना, उस बच्चे के पास एक स्टेप और है सीखने के लिए और करेगा वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा. उसको पिछला भी आ गया.
बिल्कुल सही तनिष्का, हर्षिता, अस्मिता, कोमल, वेरी गुड। कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, लेट्स डू इट। इसमें क्वेश्चन में क्या चेंज था, हु विल एक्सप्लेन? लेट अस आस्क हु हैज सेंड द आंसर फर्स्ट। हर्षिता, हर्षिका, हर्षिका, इसका रेट एक्सप्रेशन बताना जरा मुझे, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? 1/0 - a/t -1/2 डेल्टा ए या डी लिख लो, डी इज अ बेटर वर्ड। डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डीटी, -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी चेंज है? 0.4 -0.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आया है? 10 मिनट है ना, 10। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो -1/2 -0.1/10 आ जाएगा, ठीक है? तो -0.1/20 हो जाएगा, एंड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, वो माइनस तो नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 10⁻³ - 3, 0.50 जो आएगा, 0.05, फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर और पर सेकेंड। शायद किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में पूछा था मोल पर लीटर का कुछ। मोल पर लीटर को ही मोलैरिटी कहते हैं, और आप मोलैरिटी भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, और साथ में मैम, पर सेकेंड। सेकंड में क्यों आएगी मैम वैल्यू? मिनट्स में नहीं आएगी मैम, जब कैलकुलेट मिनट में हाँ किया। हाँ सॉरी सॉरी, मिनट है तो मिनट में आएगी बिल्कुल, और सेकंड है तो सेकंड में, मिनट था ना, मिनट में आएगी, कि हमने कौन सा चेंज किया, मिनट ही आएगा। ठीक है जी, दो बच्चों का और आंसर हमारे पास आ गया, बिल्कुल सही, कोमल एंड जतिन का। तो इसका मतलब है रेट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फॉर आर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट, रेट लॉ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर 1/b, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इस क्वेश्चन में तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जब उसने रेट एक्सप्रेशन दे दिया तो बताओ जी ऑर्डर क्या होगा, क्या सिखाया था, ओवरऑल ऑर्डर कितना होता है? व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? जो दी हुई है पावर्स उनको प्लस कर दो, 1/2 + 2 कितना आ गया? 5/2। अगर वो पूछे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, फाइव बाई ऑर्डर विद टू रिस्पेक्ट टू ए है 1/2, तो इसमें कंसंट्रेशन नहीं लगानी है। सेकंड है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, वो बार बार कंसंट्रेशन लग जाता है हाथ से, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया, टेस्ट दिस इज टू, ओके। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, तो नो नीड ऑफ दिस मच टाइम। यस मैम। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमेशा ना मेरा क्वेश्चन कराने का ये मकसद होता है, अगर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी आती है तो आप नीट लेवल आराम से अप्रोच कर सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती ना तो आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते।
इसलिए मैं पहले क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि मुझे मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरे बच्चे वहां तक कर पाएंगे. द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. If the concentration of X is increased to 3 times, how will this affect the rate of reaction, rate of formation of Y? एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ही हुआ. मैं इसमें बता देती हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहा है. वो ये पूछना चाह रहा है कि x टू y का रिएक्शन है और वो सेकंड ऑर्डर है, मतलब x की पावर 2 पे डिपेंड करता है. अगर x को 3 times कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा. इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, करो और बताओ जल्दी जल्दी. बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है अभी तक. उज्ज्वल एब्सोल्युटली करेक्ट, तनिष्का एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रतिभा एब्सोल्युटली करेक्ट, ऋत्विका नॉट करेक्ट. बहुत सीधी सी बात थी भाई, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए. रिएक्शन है कोमल, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्स टू वाई, और वो कह रहा है अभी रेट सेकंड ऑर्डर है तो एक ही तो चीज है उसी का सेकंड ऑर्डर होगा ना. तो आप इसका एक्सप्रेशन लिख दो तो रेट इज इक्वल टू के इनटू एक्स का स्क्वायर होगा. ठीक है, के इसमें रेट कॉन्स्टेंट है. शालिनी करेक्ट, कोमल करेक्ट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसको कर दो 3 times, तो 3x कर दो ना. प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो अब 9 हो गया, 9k इंटू एक्स स्क्वायर. तो के एक्स स्क्वायर तो तुम पहले ही रेट लिख रहे थे, तो 9 times हो गया इनिशियल रेट. ठीक है, ये आपके पास रेट 2 हो गया, ये रेट 1 हो गया. ठीक है, 9 times इंक्रीज हो जाएगा. जो 1/3 ऋत्विका आप लिख रहे हो, आप ये सोचो ना, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट. तो अगर कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ती है बेटे, तो रेट 1/3 कैसे हो सकता है? थोड़ा सा आपका वो हो गया है, लेफ्ट राइट हैंड साइड का चेंज. आपने इसी को 3 को उधर ले लिया है शायद. हाँ, एक बच्चे का और आंसर आया है. कनिका करेक्ट, शालिनी करेक्ट, सॉरी. जिस बच्चे को नोट करना है, जो नहीं कर पाए हैं वो कर सकते हैं. मैम डन. ओके जी, अब थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन वालों पे चलेंगे, सो दैट वी कैन टच द ईच एंड एवरी टॉपिक. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कॉन्स्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग विल 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams. चलिए करिए.
मैम रेट के आगे कांस्टेंट लिखा है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 इनटू 10 इस पर माइनस ऑफ 3 पर सेकंड. बेटे आपको यूनिट से भी पहचान लेगा. ठीक है टू स्टूडेंट्स हैव गिवन है ये कि दो बच्चों का शालिनी करेक्ट है और तनिष्का करेक्ट है. यस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन क्या रहता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ए. आप ये भी यूज कर सकते हो या इसकी जगह के a अपॉन a माइनस x भी यूज कर सकते हो. 2.303 k की वैल्यू आप t इधर ले आओ k को इधर रख लो तो ये 1.15 इनटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 3 हो जाएगा. 5 ग्राम 3 ग्राम कितना रह गया 5 बाय 3 हो जाएगा. 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इनटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 3 ये बन जाएगा log of 5 minus log of 3. ठीक है या फिर इसको log of 5 by 3 कर लो पहले और फिर सॉल्व कर लो उसका भी log ले सकते हो. दिस दैट वुड बी इजी. तो एक ही log देखना पड़ेगा इसमें दो देखने पड़ेंगे. अब जिन बच्चों ने किया है मेरे को एक सवाल पूछना है उनसे. उन्होंने log कैसे देखा है मुझे बताना जरा. 3 1 3 2 0 3 6 6 आपने इसका log कैसे देखा है बेटे. फोन से देखा है बताओ. व्हाट इज द लॉग ऑफ 1.66 हु हैज डन. उन्होंने ये आंसर कैसे दिया है चैट बॉक्स में. लॉग ऑफ 1.6 कैसे देखा होगा. क्योंकि हमें तो इसके लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है. तुम्हें याद है क्या सारी लॉग वैल्यूज. और नहीं याद है तो तुमने मैम याद है log 1.66 की वैल्यू भी याद है. मैं मान ही नहीं सकती ये तो कभी log की वैल्यू को याद ही नहीं करता. किसको बोल रहे हो आप. हमें भी तो पता है बेटे log पेपर में दिया होता है. log टेबल को याद करके थोड़ा जाता है पेपर में. अब मैं तो देख के लिख रही हूँ ये log के log निकाल के log की वैल्यू देख के लिख रही हूँ. आप ये बोल सकते हो कि मैम हमने लॉग टेबल या कैलकुलेटर से देख के इसमें कोई गलती नहीं है बिकॉज ये तुमने याद थोड़ा करना है. मैम बट हमने क्या कह रहे हो बोलो बोलो बोलो. मैम बट हमने लॉग में ही आंसर दिया था. अच्छा अच्छा जिसने लॉग में आंसर दिया दैट इज फाइन नो प्रॉब्लम. नहीं पर मैंने कईयों का 444 सेकंड भी दिया है ना. आपका लॉग में आया होगा. जतिन ने जैसे दिया है आंसर या आपने तो लॉग में दिया है प्रतिभा या एक और बच्चे ने दिया है कोमल ने दिया है हर्षिता ने दिया है शालिनी ने दिया है तनिष्का ने दिया है. तो जिन बच्चों ने दिया है उन्होंने लॉग अगर लॉग टेबल से या फोन से देख के किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है. इट्स ओके डरने वाली क्यों कोई बात नहीं है.
ठीक है ऋत्विका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फोन से भी देख के आपने लॉग टेबल देखा तो मैंने भी तो उससे ही देखा, मेरे को भी कौन सा इसका लॉग का आंसर पता है। बिकॉज ये हमें याद थोड़ा करना होता है सारा लॉग, हमें तो सिर्फ उसका देखना आना चाहिए कि क्या होता है। यस मैम, डोंट वरी, इसमें घबराने के लिए कोई बात नहीं है कि मैम ने क्या पूछ लिया। नेक्स्ट है बेटे, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Doubles for increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate EA. चलो शाबाश लगाओ, आर्गेनियस इक्वेशन करो, कितना आंसर आएगा जल्दी से। मैम बट मैंने लॉग में दिया था। ऋत्विका एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आपने लॉग में दिया परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी सोचो इसके बारे में कैसे हुआ। एक बच्चे का आंसर इतनी जल्दी आ गया, वेरी गुड तनिष्का, बाकी भी करो भाई। यस दिस इज अ लॉन्ग कैलकुलेशन। कैसे दो, एक बच्चे का आंसर आया, दो बच्चों का, तीन बच्चों का। अब जैसे टेम्परेचर एक दिया हुआ था 298 केल्विन और टेम्परेचर T2 दिया है 298 प्लस 10 यानी कि 308 केल्विन। अब इसमें उसने बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो K2 बाय K1 तो 2 हो जाएगा,
यही तो बताता था कि रेट कितना हुआ है, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सबका सही आ रहा है। तो आप जब इक्वेशन लगाओगे log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303 k t2 minus t1 divided by t1 t2, तो उसमें आप क्या करोगे, ea upon 2.303 k आएगा, and then this is 308 minus 298 divided by 308 multiplied by 298. So this will be equal to log of 2k divided by k. K से k cancel हो गया. Now we can shift over to the other slide. So log 2 आ गया यहाँ पे. ये upon ये तो बड़ी बहुत बड़ी calculation है. 2.303, 8.314 and पिछली calculation में मेरे ख्याल से हमारा 10 ऊपर आ जाएगा ना. पीछे वही 308 इंटू 298 एंड आई एम श्योर जिन बच्चों ने जल्दी आंसर दिया उन्होंने कैलकुलेटर यूज किया होगा, पर पेपर में अपने आप करने की आदत डाल लो. 10 एंड दिस इज अच्छा मुझे ये तो निकालना है ना, ये तो हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो बच्चा जी ये आपका कितना आ जाएगा, ये वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ टू, वो भी वैसे 0.3010 में लिख सकती थी, 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 308 और 298, बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 10. देखो इतना तो 0.3010 और 2.303 ये तो हमें फर्स्ट क्लास से याद है, 0.693 होता है, तब भी काफी बचता है. और अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो अच्छा खासा तुम्हारा टाइम लेने वाला है. तो ये सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके आती है 52897.7 जूल पर मोल पर. बच्चा जी आप ये देखो ना, ये जूल है, आप कौन से किलो जूल में देना है, तो 52.897 किलो जूल पर मोल, जिसको आप मुझे शायद 52.9 दे रहे हो अप्रोक्सीमेटली, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, तो जिन बच्चों ने किया है वेरी गुड. 51 नहीं है बेटे जतिन, थोड़ा सा और एक्यूरेट आना पड़ेगा. तो दिस इज 52. I'm done. Okay. हाँ प्रतिभा absolutely, इसकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट डोंट वरी, जो पेपर पे क्वेश्चन डालता है इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं डालता. सही कह रहे हो आप, ये हाथ से थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत राउंड ऑफ करके चलना पड़ेगा तब यहाँ पे पहुंचोगे. कर दूं शिफ्ट स्लाइड? यस मैम. यस मैम. बेटा अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, पर मैंने अपने से करवाया था तो डाटा मैंने अपना दिया था, ये डाटा चेंज है बस, बाकी मैं क्वेश्चन ऐसा क्लास में करवा चुकी हूँ. तो पर फिर भी चलो एक बार प्रैक्टिस कर देते हैं. मैम बहुत टाइम लगे. हाँ ऋतुविका सही कह रहे हो, पर आप टेंशन मत लो, ऐसी लंबी कैलकुलेशन वो डालता नहीं है, और अगर डालता है तो कुछ ना कुछ ऐसा डालता है जिसमें थोड़ा आप राउंड ऑफ करके चल रहे. द डीकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया ऑफ द प्लेटिनम सरफेस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. What are rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10^-4 mole per liter per second.
या k भी लिख सकते हो या रेट भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो जीरो ऑर्डर के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं. यू कैन प्रोसीड विद इट. Okay, some of the answers we have received and almost 4.35 कोई नहीं आता प्रतिभा. प्रतिभा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ आपके आंसर्स में ना. 10 की पावर तो सही है, बाकी नहीं सही है.
इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, उससे भी पहले आपको अमोनिया की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी होगी. टू अमोनिया इज इक्वल टू नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन होता है. आप इस क्वेश्चन को करने के लिए डिवीजन भी मार सकते हो. हाफ ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 हाइड्रोजन, इसका जो रेट का एक्सप्रेशन है वो होगा माइनस ऑफ डी एनएच 3/dt माइनस ऑफ 1/2 डी एन 2/dt. अच्छा माइनस नहीं आएगा ना, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा. प्लस 1/3/2 डी एच 2/dt. आप इसको ऊपर ले जाओ, डी एन 2/dt 2/3 डी एच 2/dt माइनस ऑफ डी एन एच 3/dt. आपका भी सही नहीं है तनिष्का. अब आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करो. आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है. के दिया हुआ है, आप देखो ना रेट बराबर के होता है, तो रेट ही तो दिया हुआ है. प्रोडक्शन ऑफ ये दोनों ले लिया तो एक एक करके इसको रेट के बराबर रख लो, तो देखो क्या आता है फिर. अब आपके पास डी एन 2/dt आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और ये किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन 2 times है रेट के. दिस इज 2 times द रेट. तो अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है सिर्फ, तो ये 1/2 times रेट हो जाएगा. 1/2 times और रेट की क्या इक्वेशन है, रेट मतलब के बराबर है वो दिया हुआ है. 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर और पर सेकेंड. ये 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड. उसके बाद निकालना है आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे बेटे, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आपको हाइड्रोजन वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी. पीएच 2/dt के साथ 2/3 है. एक्सक्यूज मी मैम, या बेटा बोलो मैम. ये मैम n2 है तो मैम ये पर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा फिर मैम? रेट तो मैम 2.5 × 10⁻⁴ ही नहीं आना चाहिए? यस मैम. पहले तो आप ये देख लो, मे बी इधर उधर करने में कुछ हुआ हो. यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं लग रही ना? चलो अब आप अगली स्लाइड देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. आप ये देखो ना, इसमें के दिया हुआ रेट, तो ये रेट हो गया. यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है? नो मैम. और ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये भी कोई गड़बड़ नहीं है. तो अगर मुझे नाइट्रोजन निकालना है तो मुझे दोनों को बराबर रखना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों को बराबर रख दिया, यहाँ तक सही है बेटे? अरे मैंने दोनों को बराबर ही तो रखा, आप कह तो रहे हो यहाँ तक हमें समझ में आ गया. यस मैम. तो मेरे को नाइट्रोजन का प्रोडक्शन निकालना है, तो नाइट्रोजन के प्रोडक्शन में 2 तो नहीं आता. नाइट्रोजन के प्रोडक्शन में सिर्फ कितना सा पोर्शन आता है, डी एन 2/dt आता है. तो वो क्या हो जाएगा, वो रेट डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो जाएगा? यस बच्चा, अगर मेरे पास ये रेट इतना है तो डिवाइडेड ही होगा. आप कैसे कह रहे हो? अब अगली रेट देख लो. 2 मैम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर मैम 2.5 × 10⁻⁴ ही आएगा. कौन सा 2 आप किसके साथ कैंसिल आउट कर रहे हो? आप ये देखो, ये वाली इक्वेशन आपकी सही है, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? Yes, ma'am. तो इसमें dN2 by dt 1/2 × rate, यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं है? तो अगर 1/2 और रेट की इतनी इक्वेशन है तो बेटा कैंसिल कौन सा हो जाएगा इसमें? मैं तो आपको एक एक स्टेप से पूछ रही हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अब यहाँ तक सही है तो फिर कैंसिल कौन सा हो रहा है इसमें? आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है. दिस इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब ये हाफ ऑफ रेट है, तो रेट दिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और कौन सा कैंसिल हो रहा है?
ओके मैम समझ आ गया बेटा? नहीं ओके नहीं कहना मुझे, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आया कि नहीं आप ये बताओ। यस मैम आ गया। चलो ठीक है, अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन को मैं सीधा लिख देती हूँ, है ना, एच मी एन लग रहा था। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए अब हम क्या लेंगे, देखो अब हम रेट के साथ 2/3 वाली को कंपेयर करेंगे। तो ये 2/3 है और ये रेट है, तो अगर मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो 2/3 इधर आके क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स रेट। तो बच्चा जी 3/2 टाइम्स रेट हो जाएगा, तो 3/2 रेट की इक्वेशन 2.5 × 10⁻⁵ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर और पर सेकेंड आ जाएगा। दैट्स इट, इज दैट क्लियर? यस मैम। काफी बच्चों ने आंसर जो दिया है ना मेरे पास, पता नहीं डबल डबल आंसर दिए हैं, या तो आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, शायद अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं थ्रेटिकल क्वेश्चन ही करा रही हूँ, वो सबको पता है कि थ्रेटिकल क्वेश्चन में किसने क्या है। देखो अभी देखना, तुम कह रहे थे ना कि अरहीनियस इक्वेशन वाले की कैलकुलेशन बड़ी आती है, ऋत्विका आप भी कुछ सेम ही गलती कर रहे हो बेटे। तो आप देखना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कितनी सही कैलकुलेशन उसने दी हुई है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर on rate constant of the reaction? How can this temperature effect likha hua par effect aana chahiye, rate constant अच्छा ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि डबल हो जाएगा, है ना, रहने दो इसको, थ्योरेटिकल है। हाँ ये क्वेश्चन कर लो, ये अच्छा है, ये ट्राई योर सेल्फ कर लेना। चलिए डाटा को एनालाइज करिए और रेट निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी।
two answers I have received. अच्छा previous slide देखिए previous slide. इतना प्रीवियस करूंगी तो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे जतिन. थैंक यू मैम. देखो ऐसे किसको डाटा को कैसे एनालाइज करना होता है. अगर आपको रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना है ना तो आपको वो लेना है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है. कंसंट्रेशन ऑफ बी किसी में कांस्टेंट है नहीं है तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो पहले, इसको बाद में कैलकुलेट करो. रेट विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है ना तो कंसंट्रेशन ऑफ ए उसमें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. इसके लिए आपको मिल जाएगा, इसमें ए कॉन्स्टेंट है तो बी देखो कितना हो रहा है. बी आपका घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है रेट विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है. ठीक है, तो बी का ऑर्डर तो आपको मिल गया जीरो है. बाकी आप कैलकुलेट कर लो डाटा से. जैसे आप लगा सकते हो कि रेट डायरेक्टली क्वेश्चन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पी पे डिपेंड करता है और बी की तो पावर जीरो आ गई. अब रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको हम वन ले लेते हैं या के ले लो, दोनों में कैंसिल हो ही जाएगा. ए की पावर पी, बी की पावर जीरो वन होता है. रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी. अब रेट वन ले लेते हैं इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन और पी. तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए वन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन है 0.20 पावर पी. ठीक है, और रेट टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की कितनी है. अच्छा ए तो इसमें कांस्टेंट है, ये नहीं ले सकते, जिसमें ए नहीं चेंज हो रहा है ना वो वाला लेना पड़ेगा. तो वो वाला है आपका, आप कोई भी ले सकते हो जिसमें ए चेंज हो रहा है. 0.20 0.40 ले सकते हो. एक को 0.20 ले लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट की इक्वेशन लिख दो. बी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, 5.07 इंटू 10^-5. रेट टू हो जाएगा के इंटू ए टू की पावर पी और रेट टू है 0.40 वाला 1.43 इंटू 10^-4 और ये आ जाएगा के इंटू 0.20 की पावर 0.40. अब रेट टू बाय रेट वन क्या आ जाएगा, 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 10^-4. 5.07 into 10^-4 तो 0.1 बराबर आ जाएगा, के तो पड़ जाएगा 0.40 divided by 0.20 इसकी पावर पी. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, ये कुछ आपके पास आता है अप्रोक्सीमेटली, जैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर पी ऐसे आएगा. और यहाँ पे कुछ 2 की पावर अप्रोक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट करते हो ना, वो मतलब जो भी आपका बनेगा दैट कम्स आउट टू बी लॉग लेने के बाद ही आंसर आता है. लॉग अप्लाई करना है तो लॉग अप्लाई करने के बाद अगर लॉग एम बाई लॉग एम करके 2 की पावर 1.5 आती है. ये भी हार्ड कैलकुलेशन दी हुई है, इतनी हार्ड से नहीं हो सकती, लॉग से आसान हो जाएगी. ठीक है, फिर आप इसमें कर सकते हो दोनों साइड लॉग लेके, इसमें 1.5 आता है तो ओवरऑल ऑर्डर 1.50 आता है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए या तो आपको लॉग टेबल देगा या फिर आपकी कोई कैलकुलेशन ऐसे देगा. इज दैट क्लियर? यस.
यस मैम मैम बोलिए आप लॉग जो आपने अप्लाई किया उसको फिर से रिपीट करोगे? ठीक है मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ, एक्चुअली इतना टाइम नहीं था तो मुझे लगा लॉग वाला काम तो कर ही लोगे। मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ, आप इसको वैल्यूज को चेक कर लेना। जब आप अप्लाई करोगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1.43 इंटू 10^-4 माइनस लॉग ऑफ 5.07 इंटू 10^-4 माइनस ऑफ 5 है नीचे इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 आ गया ना, ये बन जाएगा पी लॉग 2। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू आप देखोगे, इसकी वैल्यू आप देखोगे, इसको फर्दर अगर नहीं सॉल्व करना आता तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन तो पढ़ी ही है, इसको हम करते थे लॉग ऑफ 10^-4 और इसको लॉग ऑफ 1.43-4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पहले का आंसर 4 - log of 1.543, सेकेंड का आंसर आ जाएगा 5 - log of 5.07। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यूज भर के लॉग टू भर के फिर आपको पी आ जाएगा। ठीक है बेटे yes. जहां तक हो गया था बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है रखने का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ऑलमोस्ट द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टाइप्स वी हैव टेकन। नाउ यू पीपल कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाट द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू हैव इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन हैव द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अच्छी खासी वेटेज वाला चैप्टर है। Coordination compound करने के बाद आपके पास कुछ ज्यादा काम नहीं बचता है करने के लिए, ऑर्गेनिक के ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर बेटे। थैंक यू मैम। श्वेता क्या कहा है हिमांशु सर ने, कौन से वाला चैप्टर मैम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।